आप अखिल भारतीय सेवा के मध्य प्रदेश केडर से आने वाले अधिकारी हैं और भारत सरकार में रहके भी आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा का उपयोग और आपके प्रभाव का उपयोग भी मध्य प्रदेश के हित में सदैव करते हैं। जब जब मध्य प्रदेश को आवश्यकता पड़ी आपने भरपूर सहयोग किया है। कोविड के संदर्भ में अभी ACS ने हमारी प्रदेश की जो रणनीति है उसका प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है। मैं उसमें चार चीजें आपसे चाहता हूं। नंबर एक, आप देश भर और देश के अन्य राज्यों में कोविड को लेके, कोविड के कंट्रोल को लेके जो प्रयास हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठ के जुड़े होते हैं। हमारी रणनीति में अगर कहीं गैप्स हैं, कोई कमी है तो उसके बारे में बताएं। अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा, धीरे धीरे हम कोविड को नियंत्रित कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन में जो सुलेमान बता रहे थे 7 दिन का एवरेज बताया, लेकिन कल हमारी पॉजिटिविटी की दर घट के 11.05% हो गई है और कल 7,500 पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में आए, मतलब लगातार नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अभी जानते हैं आप सब, लंबा सफर तय करना, और ये तो हमारे जनता या कोरोना कर्फ्यू का परिणाम है कि हम संक्रमण की चैन को एक हद तक तोड़ने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी काफी काम हमको करना है। तो एक तो रणनीति, उसमें कोई सजेशन सुझाव, कुछ जोड़ना है, कोई कमी है तो उसकी तरफ आप इंगित करेंगे। दूसरे, जो पोस्ट कोविड इंपैक्ट पेशेंट्स को हो रहे हैं, और दोनों बात, एक फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगल जैसी बीमारी, आज ही हम लोगों ने तय किया 5 मेडिकल कॉलेज में हमारे जो पुराने हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा में हम ब्लैक फंगस के इलाज के लिए नई यूनिट या वार्ड हम स्थापित करने का काम करेंगे। तीसरा है, हम सब जानते हैं कि वायरस तो अभी रहेगा, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में, अगर थर्ड वेव आए तो उसकी तैयारी के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। बच्चों पे अगर ज्यादा असर होगा तो उसकी स्ट्रेटजी हमारी कैसी रहे। वैसे हम लोगों ने युद्ध स्तर पर हेल्थ फैसिलिटीज के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है। केवल कोविड नहीं है, गम और भी है, और इसलिए आपके विभाग के माध्यम से आपकी अधिकतम, आपका सहयोग मध्य प्रदेश को कैसे हो सकता है। हेल्थ के मामले में तो मनोहर अग्नानी बैठे हैं, जो कुछ हो सकता है संबंधित विभाग वो करें, लेकिन इसके अलावा अपने अपने विभागों से मैं एक एक काम की चर्चा नहीं करूंगा। कुछ चीजें तो कोविड से संबंधित सुलेमान ने अपने प्रेजेंटेशन में आपके सामने प्रस्तुत की है, और अलग अलग भारत सरकार के हमारे अधिकारी मध्य प्रदेश के अंडर के हमें सहयोग भी करते हैं, जब भी जो बताते हैं त्वरित रूप से मध्य प्रदेश को उसका लाभ मिल जाए इसकी कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए, माता पिता नहीं है या केवल माता है पिता चल बसे हैं और छोटे छोटे हैं, तो हमने फैसला किया वो प्रदेश के बच्चे हैं, उनके परिवार को जब तक सक्षम नहीं हो जाते 5,000-4,000 रुपया महीना हम पेंशन देंगे, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और उसके साथ साथ फ्री राशन, और अगर परिवार में कोई सदस्य इस स्थिति में है कि वो कोई काम धंधा बिजनेस कर सके तो सरकार की गारंटी पे बिना ब्याज का लोन उनको मिल जाए, इसके इंतजाम, ऐसे अनेकों वेलफेयर स्कीम्स भी मध्य प्रदेश पहले भी बनाता रहा है, अभी हमने बनाने की कोशिश की है। इनमें अधिकतम आप क्या मदद कर सकते हैं अपने अपने विभाग से भी, या अपने संपर्कों का लाभ उठाते हुए CSR से क्या क्या मदद हो सकती है, डोनेशन के रूप में, समाज से भी संस्थाएं कई NGOs वगैरह काम कर रहे हैं उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को क्या सहयोग हो सकता है। वैक्सीनेशन के मामले में पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने है, और चैलेंज है कि वैक्सीन के डोजेज इतने उपलब्ध हो जाएं कि हम तेजी, क्योंकि अंततः तो
वैक्सीन सुरक्षा चक्र है, तो उसमें संबंधित विभाग भी और आप सब भी क्या सहयोग कर सकते हैं। DRDO काफी काम कर सकता है, WHO काफी काम कर सकता है, बाकी बहुत विस्तार से मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग आपके विभाग से और आपके संपर्कों से कैसे आप मध्य प्रदेश को लाभान्वित कर सकते हैं संकट की इस घड़ी में, इसी अपेक्षा के साथ मैंने आज आपको आमंत्रित किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी क्षमताओं का पूरा लाभ, आपके टैलेंट का पूरा लाभ और आपका मध्य प्रदेश से जो जुड़ाव है, लगाव है, आत्मीयता है, उसका पूरा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा।